बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। तमाम आवाम के लिए, तमाम गरीब अफराद के लिए हुकूमत की जानिब से एक और नई खुशखबरी सामने आ चुकी है। जिन ख़ानदानों ने हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 25,000 रुपये की इमदाद के लिए बार बार 8171 पर SMS साइन किया था, तो उन ख़ानदानों के लिए हुकूमत की जानिब से एक बड़ी रिलीफ सामने आ चुकी है। तमाम गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों को बड़ी इमदाद तकसीम करने का बड़ा अहम फैसला हो चुका है, क्योंकि काफ़ी दोस्त बार बार 8171 पर SMS सेंड कर रहे हैं और उनको हुकूमत की जानिब से मतलूबा मैसेज ये रिसीव हो रहा है कि आपकी जो दरख्वास्त है हमें मौसूल हो चुकी है और हम आपसे जल्द रब्ता करेंगे। तो काफ़ी दोस्तों को तो रब्ता हो चुका है, लेकिन काफ़ी दोस्तों को कोई भी फाइनल मैसेज नहीं आ रहा है। वो किस तरीके से आप वो अपनी इमदाद को घर बैठे अपने मोबाइल के ज़रिए चेक करेंगे, वो किस तरीके से उस इमदाद को रिसीव करेंगे, मुकम्मल तफसीलात आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। और इसके अलावा आपको बता दूं, हुकूमत की जानिब से तमाम गरीब खानदानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी भी है। वो क्या है कि मैं आपको बता दूं, जिन खानदानों को असास प्रोग्राम की जानिब से या फिर किसी प्रोग्राम की जानिब से इमदाद नहीं मिली है, तो उन ख़ानदानों को असास राशन प्रोग्राम की जानिब से 5,000 रुपये का राशन दिया जा रहा है। जितनी जल्दी हो सके उस प्रोग्राम में अप्लाई कर ले। उसमें किस तरह अप्लाई करना है वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, आपने घर बैठे अपने मोबाइल के ज़रिए इस वेब पोर्टल के ज़रिए इमदाद चेक करनी है। इस वेब पोर्टल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े और आपको ये वेब पोर्टल ईजिली मिल जाए। फिर आपने क्या काम क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमदाद के लिए अपने कराने की हालत के बारे में जाने। आप सोच रहे हैं बार बार मुझे बता रहा है, तो काफ़ी दोस्त क्या कर रहे हैं, वो इस वेब पोर्टल के जरिए इमदाद चेक नहीं कर रहे हैं, ऐसे कह देते हैं फेक वेब पोर्टल है। वेब पोर्टल ये 100% वर्किंग है, ये हुकूमत की जानिब से बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, pass.gov.pk है, जो कि हुकूमत की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप गलती क्या करते हैं मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप फॉर्म नंबर आपको दिया गया, यहाँ पर आप अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर लगा दें, जिसकी वजह से आपके पैसे नहीं चेक होते। यहाँ पर आपने शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हो, यहाँ पर आपने शिनाख्ती कार्ड लगाना है, नीचे अपना मोबाइल लगाना है। लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो आपको कैप्चर दिया गया है यहाँ पर आपने टाइप करना है, और आपने क्या करना है मालूम करे पे टाइप करना है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जैसे सारा डाटा मैंने लगा लिया, लगाने के बाद मैं मालूम करे पे टाइप करूँगा, और जैसे मैं यहाँ पर मालूम करे पे टाइप करूँगा तो अगेन मेरे पास ये ऑप्शन आ गया, मैं दोबारा फिर लगाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो दरख्वास्त है यहाँ पर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप इस प्रोग्राम में नाहिल होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन इस तरह आ जाएगा कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है इसके लिए मौजूद नहीं है, यानी कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है इसकी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसके बाद आपने काम किया, अगर आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाता है फिर आपने 3 डॉट्स को टाइप करना है, शिकायत को पराना है, और शिकायत को पराकर आपने यहाँ पर अपनी जो भी शिकायत है वो यहाँ पर करके अपने अकाउंट को दोबारा फिर आहिल करवा सकते हो। दूसरी बात, जो लोग असास राशन प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो उन खानदानों काम क्या करना है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या करना है, यहां पर आपने 8123 पर आपने क्या करना है मैसेज सेंड करना है। 8123 पर आपने क्या करना है, अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहां पर आपने सेंड कर देना, और सेंड करने के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा हुकूमत।